नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला, नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला। कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला 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 काला। चला जा भोसड़ी के। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग, आई होप सारे के सारे बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं टोनी कक्कर के बारे में। अब जो लोग इसको सुनते हैं तो भाई उनको पता ही होगा, विशुद्ध चूतिया सिंगर है। तो हमने भी सोचा भाई इस पे एक रोस्ट बनाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नाच मेरे लैला लैला, नाच मेरे लैला, नाच मेरे लैला लैला, नाच मेरे लैला, नाच मेरे लैला लैला, नाच मेरे लैला, नाच मेरे लैला लैला। अबे भाई लैला को कितनी बार नचाएगा, कुछ आगे भी बोल दे। ओ मेरी जवानी तो कह दे कि तो खोल दूंगा अम्ब्रेला। भैया वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले मैंने आपको बोल दिया था कि विशुद्ध चूतिया सिंगर है, मतलब खोल दूंगा अम्ब्रेला। ये मतलब कौन सा अम्ब्रेला खोलने वाली बात कर रहा है? और भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बंदा अम्ब्रेला की आड़ में ना कुछ और ही खोलने की प्लानिंग कर रहा है। तेरे समंदर में डुबकी लगाएंगे। जो कौन से समंदर की बात कर रहा है तू, है जनता सब जानती है, हट। तेरी जवानी के गार्डन में दिल रोज रात को टहला। भाई तू एक काम कर, इसकी जवानी के गार्डन में तू भी टहली जा, जा। कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा भाई। ये सिंगर बिल्कुल चूतिया है साला, मतलब कुर्ता पजामा काला काला। भैया इस गाने में किसी ने भी कुर्ता पजामा नहीं पहना है काला, तो भैया इस गाने का क्या मतलब है? वैसे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉजिक से परे होते हैं इसके गाने। और भाई जो इसका एक गाना है ना कुर्ता पजामा काला काला, सिर्फ शहनाज गिल की वजह से थोड़ा बहुत फेमस हो गया है, वरना भैया 2.29 मिनट्स के गाने में ना कुर्ता पजामा काला काला के अलावा कुछ भी नहीं है। चलो भाई खैर तुम सब छोड़ो, तुम ये देखो। कांता भाई मेरे कमरे में चुपके चुपके आई, मैं तो कर रहा था पढ़ाई, क्यों आई क्यों आई। तो भाई देखा आप लोगों ने भोसड़ी का कैसे करता है चुताई, आई मीन पढ़ाई। और भैया कांता भाई ऐसी होती है क्या है? अगर भाई कांता भाई ऐसी होती है ना तो भैया किसी को गर्लफ्रेंड और वाइफ की जरूरत नहीं है। सब लोग अपने घरों में दो दो चार चार कांता भाई रखेंगे और भैया जिंदगी रंगीन बनाएंगे। भाई ये मैं नहीं कह रहा है, भोसड़ी का सोनी कक्कर नहीं टोनी कक्कर कह रहा है। अब भाई आपने इसका गाना भी सुन लिया, अब मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा, आप ये सुनो। कांता बाई घर पे आई, जैसे लिरिक्स लिखने वाला, सेम म्यूजिक सेम वाइब रख के ऑटो ट्यून भर डाला, मुझसे अच्छी लिरिक्स लिखे घर का कचरे वाला, भोसड़ी वाला 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 साला भोसड़ी वाला काला। तो भैया देखा आप लोगों ने, ये म्यूजिक की माँ बहन कुछ इस तरह करता है। और भैया मुझे मेरे निजी सूत्रों से पता लगा है कि भैया हम लोगों के लिए गाना बनाता ही नहीं है, ये गाना बनाता है टिकटॉक और रील्स वालों के लिए, क्योंकि भैया ये गाना बनाता है और वो भोसड़ी वाले इसके गानों पे रील्स बनाते हैं। और भैया जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है साले हाफ हाफ बांट लेते हैं। और भाई आप लोग ना इसका कोई भी सॉन्ग उठा के देख लो, मतलब कोई भी, मतलब हर गाने में ये ऐसे कपड़े पहनता है कि यार गोवा से आ रहा है या फिर शूट करने के बाद गोवा चला जाएगा। मतलब भाई टोनी कक्कर गाता तो तू बहुत बुरा है ही है, भैया कपड़े तो थोड़े अच्छे पहन लिया कर। तो भाई आप लोगों ने देख लिया कि टोनी कक्कर कैसा गाता है। भैया इससे अच्छा गाना तो हमारे मुन्ना त्रिपाठी भैया गा लेते हैं, हाँ वही मिर्जापुर टू वाले, देख लीजिए। लोडू ललित लोडू ललित लोडू ललित। तो भाई आप लोग आज मेरे साथ कसम खाओ कि भैया आज के बाद हम टोनी कक्कर का गाना नहीं सुनेंगे। और भैया जिस बंदे ने भी ये कसम तोड़ दी ना उसको बाऊ जी की मालिश करनी पड़ेगी। जी हाँ, दरवाजा बंद कर दो। समझ रहे हो ना। तो भाई अभी कुछ टाइम पहले एक अंकल ने टोनी कक्कर का गाना सुन लिया, अब भाई वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं। यही पटक के चोट देंगे, चल निकल मांदर चोर। तो
भाई टोनी कक्कर के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। भैया पहले अच्छा खासा गाता था और जब से इन टिकटॉकर्स और रील्स वालों के टच में आ गया है ना तो थोड़ा बिगड़ गया है, अब शायद सुधर जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी ऑन कर देना जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।